हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए टूल्स लेके आते रहते हैं, और सारे टूल्स जो हम हमारे चैनल पे बताते हैं वो सारे टूल्स आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, एड्रेस वगैरह टाइमिंग वगैरह जो भी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर फिर भी हमारे कोई व्यूअर्स को कोई किस्सा सामान ढूंढने में परेशानी होती हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द कमेंट का जवाब भी दे दूंगा। आज का जो हमारा टूल है वो क्रिम्पिंग टूल है बेसिकली। इसके पहले हम कई क्रिम्पिंग टूल डाल चुके हैं मगर वो मैनुअल होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं। ये जो हमारा बैटरी ऑपरेटेड क्रिम्पिंग टूल है, ये ज्यादातर बड़े बड़े पावर लाइन के अंदर जो काम होता है, हाई टेंशन के अंदर, उसके अंदर यूज होता है। तो ये इतना मोटा तकरीबन 1.5 इंची का जाड़ा वाला केबल है, उसके ऊपर का मैंने जैकेट निकाल दिया है, एक लेयर भी उसको निकाल दिया है, और जो आगे जो लगाने के लिए जो टूल होता है, जो जिसके अंदर ये कसा जाता है, ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, मगर इसको कसने के लिए हमारे पास मैं टूल लेके आया हूँ। तो फटाफट हम हमारे टूल की तरफ चलते हैं, पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, और जो जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी जरूर करें, और कोई भी आपको नया टूल लेना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब हमारी टूल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड क्रिम्पिंग टूल, ये क्या है कि इसकी पूरी पेटी है, क्योंकि ये सामान बहुत ही महंगा है और इसको संभालना भी हमें बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइप में पूरा टूल रखा हुआ है, यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड है, जो भी इसका सामान अंदर लिखा हुआ है, और इसके अंदर आपको कुछ रबर की रिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा में दे दी गई है। यहाँ पर इसका चार्जर है, चार्जर, और सबसे अहम चीज़ है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, 18 वॉट की इसकी 5000 मिली एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी, जो एक नहीं आपको दो मिलने वाली है इसके अंदर, एक के बाद एक आप दो पूरे दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इस तरीके से लगाना है और ये आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितनी चार्जिंग हो रही है वो भी पूरी आइडिया दे देगा, ये आपको टेम्परेचर वगैरह का इंडिकेटर भी इसके अंदर दे दिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसके चार्जर के साथ। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको इसका क्रिम्प कितने mm से ये क्रिम्प कर सकता है, जकड़ सकता है, ऐसे करके ये इसको जकड़ेगा केबल को, और ये वाले हिस्से को मैं आपको बता दूँ, ये वाला हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा, और ये मैं आपको पहले पूरा डेमो बताऊंगा चालू करके, मगर अभी सिर्फ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये ऐसे करके इस तरीके से ये पूरा काम करेगा और इसको पूरा जकड़ देगा यहाँ पर, तो ये केबल से फिर आप इसको पावर लाइन में सप्लाई दे सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके अंदर कितनी अलग अलग साइज आपको मिल जाएंगे पहले मैं वो आप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 16 नंबर का इसके अंदर आपको mm आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 25 mm, जो रनिंग साइज होगी वही आपको मिलेगी इसमें, उसके बाद आपको मिलेगा 35 mm, उसके बाद आपको मिलेगा 70 mm, उसके बाद आपको मिल जाएगा 95 mm, उसके बाद आपको मिलेगा 120 mm, 150 mm, 50 mm, 185 mm, 300 mm, 240 mm, और मेरे हाथ में है 400 mm। सबसे बड़ा 400 mm है, सबसे छोटा 16 mm है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको बता दिया है केबल के अंदर लगा के, इसको मैं पहले तो सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सा वाला इसके अंदर लगेगा, पहले वो मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको, आपके सामने ही मैं सारा काम कर रहा हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये 95 mm वाला इसमें लग जाने वाला है, तो अभी मैं क्या करूँगा इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे जो हमारी जो बैटरी ऑपरेटेड कैंपिंग टूल है, पहले मैं इसको निकाल के आपको इसका पूरा डिटेल दे दूँ। अभी मैंने बैटरी इसको लगाई नहीं है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात देखिए, ये पूरी चारों तरफ से 360 डिग्री पूरा ये घूमेगा, कोई भी तरफ आप इसको घुमा सकते हैं, देख सकते हैं आप कहीं भी आपको काम करना हो आप इसको कहीं भी आप इसको घुमा सकते हैं, इस तरीके से ऊपर से काम करना हो, साइड पे काम, अक्सर केबल का काम जो होता है वो गड्ढे में होता है,
या तो ऊपर हाइट पे होता है, तो आप कोई भी एंगल से इसको काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, गॉगल्स पहनना जरूरी है। अभी क्या है, हम लोग पावर लाइन पे नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोव्स हमने पहना हुआ है। आगे का भाग थोड़ा हैवी है, इसके अंदर मैं आपको बैटरी भी लगा देता हूँ। यहाँ पर ये बैटरी लग चुकी है यहाँ पर, और पीछे यहाँ पर देख सकते डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल नंबर, बैटरी किम्पिंग टूल, यहाँ पर इसकी ऑन ऑफ की स्विच दी गई है, इस तरीके से काम करेगा। अभी तो मैंने अंदर इसका जो सिस्टम होता है वो लगाया नहीं है, जो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कब्जा करने वाला क्लच जो भी है। और यहाँ पर LED भी दी हुई है, एक यहाँ पर LED दी है, यहाँ पर LED दी है। आप अंधेरे में अगर आपको काम करना हो तो आप कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा चालू करके आपको आवाज बता देता हूँ इसकी, देखिए आगे आ रहा है। अपने आप पीछे चला जाएगा, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि आपको ताकत इसको आपको चेक करते नहीं रहना है कि कहाँ तक पहुंचा, ये अपने हिसाब से जो रिक्वायर ताकत होगी वो ताकत लगाएगा, इसका प्रेशर लगाएगा और वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पर नीचे रख देते हैं और पेटी को थोड़ा साइड कर देते हैं हम इसके अंदर। और एक बात, इसके अंदर आपको बेल्ट भी मिल रहा है, तो ये बेल्ट क्या होगा, बेल्ट से आपको क्या खास बात रहेगी कि बेल्ट आप इसको लगा सकते हैं कि अगर आपको उठाना करना हो तो आप उसको उठा सकते हैं। यहाँ पर क्लेम दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टूल बहुत ही हैवी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेल्ट लिया गया है और यहाँ पर लोहे का पूरा इसके अंदर डाल देंगे, इसको उठा सकते हैं चालू काम के अंदर, आप इसको ऐसे उठा के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत वजनदार है, रिंग वगैरह भी बहुत हैवी इसके अंदर दिया गया है। जैसे मुझे काम करना है मैं इसको ऐसे करके छोड़ भी सकता हूँ, एक केबल या दो केबल का आपको काम करना है। आप देखो मैंने लटका दिया है, मेरे गले में लटकी हुई है, आराम से लटक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैसे तो हमारे व्यूवर्स भी हमें पूछेंगे कि इतना महंगा हम क्लिपिंग टूल लेके करेंगे क्यों, तो इसके लिए खास मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी ऑपरेटेड है। आप कहीं पर जाएंगे मैन्युअली भी काम कर सकते हैं, मगर हमारे हाथ की ताकत, अगर आप दिन में 10 केबल को क्रिम करते हैं तो आपको भी इंसान है भाई थक जाता है, हाथ के अंदर ताकत भी कम हो जाती है, मगर ये जो हमारा मशीन से काम करेंगे तो ये आपको सुबह से लेकर शाम तक एक सरी की ताकत देगा और एक सरी का काम देगा। और सबसे खास बात, इसके अंदर आपको चारों तरफ ये घूम सकता है, आप अपने हाथ को चारों तरफ नहीं घुमा सकते, आप एक तरफ ही रहेंगे, आप उल्टे तो हो नहीं सकते, मगर ये जो हमारा क्रिम्पिंग टूल है ये चारों तरफ घूम सकता है, उल्टा फुल्टा जो काम करना चाहो आप इससे करवा सकते हैं। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे रख देता हूँ और ये पेटी को साइड पर रख देता हूँ और आपको एक इसकी जो मैंने गोटी निकाल के रखी है उसको मैं आपको कंप्लीट चला के बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी क्या है कि मैं पहले आपको ये कैसे इसको इसके अंदर लगाना है पहले वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा मैकेनिज्म एकदम आसान है, इसको पीछे खींचेंगे तो ये हमारा मैकेनिज्म अंदर चला जाएगा 95 mm का, ये लॉक हो जाएगा अपने आप बीच में आके, ये लॉक हो गया, ये कहीं नहीं भागने वाला है। और ये जो है ये हमारा वन साइडेड लगेगा यहाँ से, थोड़ा मेरे लिए भी नया है तो इसके लिए देखिए ये आ गया। इसको थोड़ा बिठाना क्योंकि आपका रिक्वायर्ड जो केबल होगा वो तो आपको रोजाना पता चली जाए। बैठ गया इसमें और ये जो हमारा जो आगे का इसको बोलते हैं केबल के अंदर फंसने वाला है, ऑलरेडी मैं इसको डाल चुका हूँ। इसका बहुत ही हैवी जैकेट था, मैंने बहुत मेहनत से निकाला, मुझे हाथ में अच्छा मैंने ग्लोव्स पहने हुए थे। अब मैं क्या करूँगा, इसको खड़ा रख देता हूँ और आपको दिख रहा है हमारे व्यूवर्स को, सबको नजर आ रहा है। ओके ओके ठीक है, अभी मैं आपको क्या करूंगा इसको एक बार चला के बता देता हूँ, मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है, देख सकते हैं आप आगे की तरफ जा रही है। ओहो क्या बात है, क्या बात है, देख सकते हैं आप दोस्तों पूरा डिजाइन बना दिया इसके अंदर। जो कि इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये अंदर का केबल थोड़ा पतला है और ऊपर वाला ये थोड़ा मोटा हो गया है, अलग से थोड़ा डायमेंशन का फर्क हो गया है,
मगर जो लोग इसका काम करते होंगे उनको पूरा आइडिया होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर ये जो इसका जो काम है कि ये एंगल में से अब निकलेगा नहीं। मैं और एक बात आपको इसको करके बता देता हूँ, मैं क्रिम करके 1 2 एकदम करीब से भी आप देख सकते हैं 1 2 3। अपने आप पीछे चला जाएगा, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप पीछे चला जाएगा, मैंने छोड़ दिया है, ये अपने आप वापस इसकी जगह पोजीशन ले लेगा। छोड़ दिया, हो गया, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्रिम किए बगैर का जो सॉकेट था वो है, और ये क्रिम किया हुआ सॉकेट है, कितना फर्क आ गया है और कितना पावरफुल इसने क्रिम किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ हमारे व्यूवर्स को कि ऐसा जो काम होगा वो आप हाथ से नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुबह में नाश्ता पानी करके आप पेट भर के जाएंगे तो आपके अंदर ताकत रहेगी तो कर सकते हैं, मगर दोपहर बाद अगर शाम को काम आ गया आपके पास तो इतनी ताकत से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान है, थकता है और उसके हाथ में थकान भी लगती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको इतना टाइट करने के लिए ये जो मशीन है इसकी क्या क्या कैपेसिटी है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर कैपेसिटी के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्रिम्पिंग की जो इसके अंदर फोर्स लगेगा वो 120 kN का इसके अंदर फोर्स लगने वाला है, और स्ट्रोक जो है वो 42 mm का, इतना लंबा जो स्ट्रोक का जो साइज है, छोटा बड़ा जो होता है स्ट्रोक बोलते हैं उसको, वो 42 mm का स्ट्रोक है। और क्रिम्पिंग जो क्रिम चार्ज चेंज जो एक चार्ज के अंदर जो होगा क्रिम 120 मरतबा ये क्रिम कर सकता है, मतलब ये जो यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है ऐसा ये 120 मरतबा करेगा एक बैटरी में। अगर दो बैटरी लगाएंगे तो 240 मरतबा ये क्रिम करेगा। तो इसके अंदर मैं तो सोचता हूँ हफ्ते भर में भी आप चार्ज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे मैं आपको बता दूँ, ये जो साइकिल है ये 6 सेकंड से लेके 18 सेकंड का इसका पूरा एक साइकिल रहता है, तो 18 सेकंड मैक्सिमम ये वापस आने के लिए 6 सेकंड लेगा और 18 सेकंड ये क्रिम करने के लिए लेगा। तो मैं आपको एक और बार डेमो बता देता हूँ, पहले मैं इसको पूरा साइकिल एक कंप्लीट कर लेता हूँ, कैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपको बता दूँ कि 18 सेकंड लगेंगे इसको जाने के अंदर, ये वापस आने के अंदर इसको 6 सेकंड लगेंगे, ये 6 सेकंड के अंदर वापस आ गया। ओके, 6 सेकंड के अंदर ये वापस आ गया। अब मैं आपको एक लास्ट मरतबा इसको क्रीम करके बता देता हूँ तो आपको भी आइडिया आ जाए कि क्या है इसका। देखिए 1 2 3, अठारह सेकंड लगेंगे कंप्लीट इसको। हो गया 18 सेकंड, ये रिटर्न आ रहा है, 6 सेकंड में रिटर्न आ जाएगा। ओके, 6 सेकंड में रिटर्न आ गया, 18 सेकंड में इसने क्रिम कर दिया। ये पहले वाला आप साबुत देख सकते हैं, और क्रिम करने के बाद इसने इसका क्या हाल किया है वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक हम एडवांटेज के तौर पे इसको मैं आड़ा करके आपको एक बार करके बता देता हूँ, इसका पावर का आइडिया आ जाएगा। देखो 1 2 3, ये वैसे करना नहीं चाहिए मगर मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसकी ताकत बता रहा हूं मैं आपको। वन टू थ्री, अरे बाप रे बाप, देख सकते हैं आप क्या हालत किया है इसने इसका। अब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए इसकी ताकत कितनी है, 120 kN की इसकी ताकत है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब ये मैं तो सोचता हूँ कि इसको ग्राइंडर से काटेंगे तब भी ये केबल को छोड़ने वाला नहीं है, इतना ताकतवर इसने केबल को पकड़ लिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और ये जो क्रिम्पिंग टूल है ये आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है, जो हमारी ब्रांड है द टूल किंग ऑफ इंडिया, हमारे पास पूरी इंडिया के अंदर आपको कोई सा भी टूल चाहिए आप किंग टूल सूरत का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, आज की जो प्राइस है, जो आज का जो डेट है वो 24/5/2023 आज की जो डेट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी आप वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट के माध्यम से भी आप हमें पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर बटन को जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो जरूर करें, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।